पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नंदीग्राम से नामांकन के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी बुधवार को नॉमिनेशन फाइल कर दिया। दोनों मैदान में हैं, दोनों बड़े कद के उम्मीदवार हैं और दोनों की वजह से नंदीग्राम सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है। दोनों पार्टियां नंदीग्राम से जीत के दावे कर रही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर हॉट सीट के दोनों उम्मीदवार कितने रसूखदार हैं। नंदीग्राम में नामांकन के समय सौंपे गए चुनावी हलफनामे में जिक्र है कि ममता बनर्जी के पास 16,72,000 रुपये की संपत्ति है। ममता बनर्जी के पास कोई गाड़ी, घर या जमीन नहीं है, न ही उनके खिलाफ कोई केस दर्ज है। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी की संपत्ति पिछले चुनाव के मुकाबले घट गई है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव के हलफनामे में ममता बनर्जी की कुल चल संपत्ति 30,45,000 रुपये थी, अब यह घटकर 16,00,000 रुपए हो गई है। इस बार के हलफनामे से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान ममता बनर्जी की आमदनी 10,34,370 रुपए थी। उनके बैंक के अकाउंट में कुल 13,53,000 रुपए हैं। उनके पास 69,000 रुपए नगद हैं, जिसमें चुनावी खर्च के लिए 1,50,000 रुपए भी शामिल हैं। ममता ने कई किताबें लिखी है जिनसे उन्हें 930 रुपए की रॉयल्टी भी मिली है। हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने साल 2019-20 में 1,85,000 रुपये का TDS चुकाया है। अब बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की। ममता बनर्जी के सामने खड़े हैं BJP के शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से विधायक रहने के अलावा लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 2006 में पहली बार विधायक चुने गए शुभेंदु अधिकारी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर गुजरते साल में राजनीति में उनका कद बढ़ता चला गया। 2009 और 2014 में वो तामलुक लोकसभा सीट से सांसद बने। साल 2016 में उन्होंने इस्तीफा देकर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और सरकार में परिवहन मंत्रालय का जिम्मा भी उठाया। बंगाल की राजनीति के जानकारों की माने तो शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव राज्य की 100 सीटों पर है। कम से कम राज्य की 100 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी के सीधे पहुँच की बात कही जाती है। कहने का मतलब है कि इन सीटों पर उनका नाम चलता है। 2016 के हलफनामे के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी की कुल संपत्ति 64,81,000 रुपए थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। UPA सरकार के दौरान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे शुभेंदु ने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की थी, जबकि कोटाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। शुभेंदु अधिकारी पर एक केस दर्ज है जो कोर्ट में चल रहा है। शुभेंदु पर नारद मामले में कोर्ट ऑर्डर के बाद केस दर्ज हुआ था। शुभेंदु अधिकारी आयकर संपत्ति मामले में भी ममता बनर्जी से आगे हैं। शुभेंदु की 11,00,000 रुपए साल 2019-20 में इनकम टैक्स की दायरे में थी। कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी के पुराने दोस्त और BJP की टिकट से नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी की संपत्ति भी ममता बनर्जी से ज़्यादा है। शुभेंदु अधिकारी कम से कम संपत्ति के मामले में ममता बनर्जी से आगे हैं। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव की हर बड़ी हलचल को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।